सबक नंबर 3 मिसाके मदीना। मिसाके मदीना क्या होता है? ऐसा अहद जो तहरीर की सूरत में हो, मतलब लिखा गया उसे, और वो अहद कहाँ किया गया? मदीना में। मकासद क्या है? मिसाके मदीना की अहमियत से आगाही, मुखालफीन के खिलाफ हिकमत अमली अपनाने के मुतल्लिक आगाह करना। हिकमत अमली, हिकमत होता है दनाई से, अकलमंदी से कोई काम करना, प्लान बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आमद से पहले यहूद के 3 कबीले, बनू कैनका, बनू नज़ीर और करीज़ा। बेटा 3 कबीले से कौन कौन से? कैनका, नज़ीर और करीज़ा मदीने के तरफ आबाद थे, मदीने के तरफ में उसके इर्द गिर्द। उन्होंने मजबूत बुर्ज और किले बना लिए थे। इंसार के 2 कबीलों यानी ओस और खजर्ज में जो आखिरी मार्का हुआ था, यहूदी के 3 कबीले थे और इंसार के 2। कौन कौन से थे? इंसार के ओस और खजर्ज। जो आखिरी मार्का हुआ था, लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, इसने इंसार का जोर बिल्कुल तोड़ दिया था। यहूद इस मकसद को हमेशा पेश नज़र रखते थे कि इंसार बाहम कभी मुतहद ना होने पाए, मुतहद मतलब इकट्ठे ना होने पाए, आपस में लड़ते झगड़ते रहे। इन इसबाब की वजह से, इसबाब सबब की जमा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो पहला काम ये था कि मुसलमानों और यहूदियों के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और यहूद को बुलाकर हसब ज़िल शराइत पर एक मुआहदा लिखवाया, जिसको मिसाके मदीना कहा जाता है, जिसको फरीकैन ने मंजूर किया। फरीकैन होते 2 फरीक, 2 जमातें। बेटा यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया, इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं मिसाके मदीना को दुनिया का पहला तहरीरी आइन भी कहा जाता है? इस्लामी रियासत का ये पहला दस्तूर था, कुछ शराइत थी जो लिख कर की गई थी। मिसाके मदीना की अहम शराइत, पहली शर्त थी खून बहा और फिदिया का जो तरीका पहले से चला आता था अब भी कायम रहेगा। यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी और इनको मजहबी अमूर से रोका नहीं जाएगा। जी बेटा, आपने पेज नंबर 48 की अच्छे से रीडिंग करनी है और डिफिकल्ट